करने के बाद कैसा लग रहा है? अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, बॉडी भी काफ़ी लाइट लग रही है पहले से। हाँ ये वाला दिक्कत ज़्यादा है ना, देखो ज़रा सोनिया है ना राइट साइड पे, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। ये जो एक तरफ की हड्डी है ना सोनिया, देखिए इधर, इस तरफ देखिए, ये हड्डी दिख रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इस हड्डी में देखो ये उंगली का जितना गैप दिख रहा है आपको, ये वाला, हाँ ये नॉर्मल है। ठीक है, अब इस तरफ देखो, ये हड्डी बाई बर्थ ही बड़ी हुई आपकी। अच्छा, दिख रही है ना, जितना छोटी ये हड्डी उतनी छोटी होनी चाहिए थी, यहाँ पे भी गैप होना चाहिए था, तो ये हड्डी इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्रलाइजेशन, ये आमतौर पर बाई बर्थ ही होता है। ऐसे लोगों की कमर ना थोड़ा सा हल्का सा वीक होती है और इजली स्टिफ हो जाती है, इजली भर जाती है, ऐसा लगता है ये पीछे से जकड़ी जकड़ी, हाँ ऐसा लगता है स्ट्रेच कर दे कोई ऐसे, हाँ, बार 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 खींचना पड़ता है कोई, या लगता है कोई मरोड़ दे मेरी कमर को, भर जाती है इस तरह कमर बार बार बार, क्योंकि यहाँ का जो रिदम है ना, मतलब ये जो हड्डी है फोर्स को दोनों तरफ ट्रांसफ़र करना चाहिए था, अब ये सारा इकट्ठा यहाँ कर देती है इस नेरव पे, ये तो यहाँ ज़्यादा दर्द करेगा, इन्हें भी डिम्पल पे होता है ना दर्द, हाँ जी, दैट इज़ रीजन बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो ये सेक्रलाइजेशन है, ठीक है, इसको फिक्स करेंगे। और हल्का सा टिल्ट भी है आपका, आपकी L3 वर्टेब्रा अगर आप देखो ना, छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद डंडा दिख रहा है, ये सारे लाइन में होना चाहिए था, ये लाइन देखो, ये भी लाइन में है, ये भी लाइन में, बट ये देखो ज़रा एक बाहर है ना लाइन से, देखो फिर से फिर लाइन में आ गया, देखो ये और ये लाइन में आ गया ना, तो ये जो है ना आपकी L3 हल्की सी रोटेटेड है। ये कैसे हो गया? जैसे मैंने बताया ना, सेक्रलाइजेशन की वजह से ही सिमेट्री ख़राब हो जाती है, तो सिमेट्री थोड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है कमर की, उसकी वजह से कमर मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्टिव टाइप की कमर नहीं है। ठीक है, बट हम इसको फिक्स करेंगे, इट गेट बेटर, नो वरी, हो जाएगा सही। नेक भी शायद टाइट रहती है आपकी? नेक में इतनी नहीं आती है प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत लगता है तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूं, एक्सरसाइज करके स्ट्रेच करके हो जाता है, बट आता तो बार बार है, वो बार बार आता है, स्ट्रेच करना पड़ता है, बट ऐसा दिन नहीं गया बिना एक्सरसाइज करके काम चल जाए, एक्सरसाइज नहीं करोगी तो पकड़ लेती, स्टिफ हो जाती है। मेरा ऐसा दिन नहीं जाता मैं एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज रोज करते हो, हाँ इसी वजह से संभाल पा रहे हो आप इसको। लूज करेंगे इसको, वेरी गुड। उल्टा लेट हो जाता, राइट की तरफ ज्यादा लगता है क्या सुनिया? इस तरफ ज्यादा लगता है ना, हल्का सा राइट लेग शॉर्ट आ रहा है आपका, ये पॉइंट ना, ये गांठ सी भी जैसे आपको लगता होगा बनी है ना, एक्चुअली ये हल्का सा पल्विक जो है ये मिसलाइंड हो जाता है, फिजियोलॉजिकल मिसलाइंड हो जाता है, तो ये टाइटनेस आ जाती है ज़्यादा, इसमें हल्का सा शॉर्ट हो गया लगी, हाथ यहाँ रखिए, ढीला छोड़ना है अभी आपने, सांस बाहर, वेरी गुड। इस वाले को भी ब्रीद आउट, मुंह से सांस लो, छोड़ो, वेरी गुड, फिर से सांस लेना है, छोड़ना है, फिर से लें, छोड़, वेरी गुड, फिर से लें, छोड़े, एक और लेंगे, छोड़े, ऑलराइट, अब सीधा लेटना है। अब हम करेंगे शोल्डर वाला, ये ट्रिगर पॉइंट है आपको राइट साइड पे, दोनों ही तरफ बना है, लेफ्ट वाला ये बड़ा है, लूज कर दो, लूज लूज लूज, वेरी गुड, that's good।
फिर से पकड़ के रखिए, क्लोज करिए, आगे चले जाएं, आगे आगे और आगे, थोड़ा और बेंड हो जाएं, और बेंड हो जाएं, और बेंड हो जाएं, अब सीधा, गुड, वेरी गुड। टांगे छोड़ दो, लूज करो। गिराऊंगा नहीं मैं आपको, ठीक है, लूज करो, लूज। सबसे पहले तो हम करेंगे L4 L5, अब L5 S1, अब करेंगे हम L2, वेरी गुड। दोनों पाँव सीधे करते हैं, लूज करो, जस्ट लूज, जस्ट लूज। अब हम करेंगे राइट वाला हिप ओपन, बस यस। चलो जी, सांस लेना है, छोड़ना है, फिर से मुंह से बाहर करें सांस, एक और बाहर बाहर बाहर, यस। यहाँ से पकड़ो जी, ऊपर देखना है, ऊपर देखो और ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बस। गर्दन घुमाओ जरा दोनों तरफ, लेफ्ट घुमाओ, राइट घुमाओ। टाइटनेस किस तरफ लगती है? एक तरफ टाइट होना चाहिए, लेफ्ट वाला टाइट ना, वही मैं सोच रहा हूँ, लेफ्ट वाला ऐसे ही देना, सेटिंग करेंगे इसकी। बस बस बस, वेरी गुड, जस्ट इजी 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 इजी, यस। अब घुमाओ, अब पूरा घूमेगा, अब ठीक लग रहा है, दूसरी तरफ घुमाओ, पूरा घूम रहा है अब तो, हाँ, यस, बस इजी करो, इजी। सांस लेके देखो, इजी आएगा, अब ठीक आ रहा है ना। सो हल्का सा इस तरफ डाइवर्जन था, इसमें एक्सटर्नल डाइवर्जन था, क्लोज करो, फिर से, फिर से आ गए, इस तरफ टाइटनेस है आपको। खाते खाते कटता है क्या बीच बीच में? नहीं नहीं कटता, ओपन योर जॉ, बस छोड़ दो, छोड़ दो, बस छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, रिलैक्स, बस डन। पेट फुला फुला रहता है? कभी कभी होता है। अच्छा, वैसे क्या फील होता है नाभि में आपको? आपको लगता है आपको नाभि सरकी हुई? हैवी हैवी लगता है, बिना खाए कुछ लगता है कि बहुत कुछ खा रखा है, पेट भरा भरा ही रहता, हाँ। है, खाने का मन नहीं करता, हाँ, वो नाभि के ही संकेत है। नाभि सरकी भी है, ऊपर सेट कर देता हूँ, डिलीवरी के बाद हुआ ये। दोनों घुटने मोड़ो और मोड़ लो जी, बस सीधा कर दो जरा, दोनों पांव सीधे करो, अब फिर से मोड़ो दोनों पांव, कर दो सीधा, करो पांव जरा, लो जी सेट हो गई ना अभी।
आ रही है? हाँ। ऑलराइट। करने के बाद कैसा लग रहा है? अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, बॉडी भी काफ़ी लाइट लग रही है पहले से। हाँ, पेट ब्लोटिंग लग रहा था। हाँ, अब ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। स्क्वाटिंग में बताया था आपने, स्क्वाटिंग में प्रॉब्लम आती है, स्क्वाट करके देखो कैसा लग रहा है। स्क्वाट, हाँ, अब ठीक लग रहा है। जिम ट्रेनर है आप शायद, ना उसमें दिक्कत आती होगी बार बार बार। हाँ ठीक है, सेटिंग मैंने कर दी है, बट हैवी डेडलिफ्ट से थोड़ा बचना पड़ेगा आपको। और लेग प्रेस सिंगल लेग प्रेस करिए, डबल लेग प्रेस मत करिएगा। सिंगल, सिंगल लेग प्रेस, ठीक है। और जब आप जंपिंग एंड जैक करती हैं ना, आप एक ऊपर से आती हैं किसी प्लेटफॉर्म से फिर नीचे जाती हैं, उसके लिए प्रॉपर वार्म अप। और जो तितली आसन, उसको स्ट्रेच करते ही करिएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तितली आसन भी करती हूँ, लेकिन डेडलिफ्ट भी मैं ज़्यादा की कर रही थी। डेडलिफ्ट ज़्यादा मत करो, उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका प्रॉब्लम, बढ़ जाएगा। विदाउट वेट करो, थोड़ा कर लो, हल्का वेट लो, बारबेल से कर लो। बहुत ज्यादा वेट मत करो, बहुत ज्यादा वेट करोगे तो डिसिपल होने का। लेग प्रेस भी ज्यादा कर मारती थी मैं, डबल में ही। डबल मत मारो, सिंगल में फिर लाइट। रिपीटेशन ज्यादा करो ना, उससे स्ट्रेंथ डेवलप होगी। और अपने मसल बल तो कैरी नहीं करना, यू हैड लूजन द वेट, तो रिपीटेशन ज्यादा काम करेगी ना उस पे, राइट? उससे टियर भी नहीं होगा आपको। ठीक, ये करने के बाद कैसा लग रहा है? अब काफी हल्का लग रहा है, पेन भी नहीं है। क्या ये वीडियो हम ऑनलाइन डाल सकते हैं? हां जी डालो। Thank you.